दिवाली पर गोलमाल अगेन और सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज होने जा रही है। सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान छोटी सी भूमिका में है। आमिर खान फिल्म के निर्माता भी हैं। चूंकि आमिर का नाम फिल्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। दिवाली 19 अक्टूबर को है। लक्ष्मी पूजन वाले दिन ज्यादातर लोग व्यस्त रहते हैं और सिनेमा घर जाना कम पसंद करते हैं, लिहाजा बड़ी फिल्म रिलीज करने वाले इस दिन फिल्म रिलीज करने से बचते हैं। दिवाली के दूसरे दिन ऐतिहासिक कलेक्शन आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोलमाल अगेन 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। आमिर खान ने चतुराई पूर्वक अपनी फिल्म को 19 अक्टूबर को रिलीज करने की घोषणा की है। आमिर का कहना है कि उन्हें अपनी फिल्म से 100 करोड़ या 200 करोड़ की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे इस तरह के तनाव से मुक्त हैं। लिहाजा वे फिल्म को 19 अक्टूबर को ही प्रदर्शित करेंगे। दिवाली के दिन की छुट्टी का लाभ उन्हें मिल जाएगा। साथ ही यदि फिल्म की रिपोर्ट अच्छी आती है तो आगामी दिनों में भी आमिर की फिल्म को फायदा मिलेगा। साथ ही एक दिन आमिर को एक ऐसा दिन मिल जाएगा जब उनकी फिल्म गोलमाल अगेन से सीधी टक्कर से बचेगी। आमिर का ये निर्णय दर्शाता है कि वे कुशल निर्माता भी हैं।